शांति, आज 5 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। दिन मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुदवान प्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की। अब बच्चे जाने तो बाप भोले ठहरे ना। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं, क्योंकि खुद भोला नाथ है तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का। भोलानाथ बाप परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। न समझने के कारण पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्रादि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलविड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलविड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रलब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। व
वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं, एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। यह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े। यह तुम 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, ज्ञान से वेल्थ। यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबर वार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाई पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तुम एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहां स्वर्ग में कोई बैरिस्टर, जज आदि नहीं होते हैं। वहां धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है, न गर्भ जेल में सजा न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तुम गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी, बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती, ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती, वहां की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता नहीं, पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो, तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तुम कंप्लीट है, बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां, तुम हो मानसरोवर नदियां। नदियों पर नाम भी है, ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली हीरे जैसे बनते हो,
बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं, मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट वेलवेट सब संबंधों की सैक्रीन है। वह सब संबंधी हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तुम जरूर दुख ही होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने यह अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं? उनका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। यहाँ तुम शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना, घर में बैठकर याद करते हैं। शिव बाबा, हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बगैर रह ना सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाती है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया यानी कृष्ण को, उसका नाम बाला कर दिया है। खास भारत को आकर हेवन बनाया है। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब है। तुम जानते हो, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं, यह है पतित दुनिया दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिष्ट। अल्लाह ने बहिष्ट किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ट कहते हैं। तुम जानते हो, हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बैठी हैं। एक मुसलमान भी कहता था, हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में पहले से ही नोंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है, सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मामे कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो।
खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या। पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे, दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है, सीढ़ी उतरनी ही है, सतयुग में सूर्यवंशी बने फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं, भल कितना भी यज्ञ तप आदि करे फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है, कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं, तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, कृष्ण का नाम क्यों डाला, यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है, हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे। बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है, जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, कहीं तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी में नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं, ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तुम सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं, बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर यानी वैरायटी सामान है, ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है, बाप की शिक्षा से यह यानी लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है,
तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है, अब घर जाना है, पाठ बजाना है, यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, कुमारियां, लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलविड मोस्ट बाप को ही याद करना है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान है समान में स्थित रहे, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा समान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के समान है, उनमें किसी एक भी समान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो समान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा समान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को।